हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड को कैसे बदल सकते हैं और बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बाल का भी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस फ़ोटो को हम सजाए हैं, बैकग्राउंड को ब्लर किए हैं और बैकग्राउंड को भी चेंज किए हैं। इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल पे जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ से बैक आने के बाद ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको यहाँ से गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से गैलरी पे क्लिक कर देते हैं, आप भी कर दीजिए। गैलरी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ नीचे पे दिखाई दे रहा है एल्बम, ठीक है, आपको एल्बम पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से एल्बम पे क्लिक कर देते हैं। एल्बम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे जितना सारा फ़ोटो और फाइल रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरा भी आ चुका है। अगर आप जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं आप यहाँ से उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम क्या है और इसे कैसे डाउनलोड किया जाता है हम वीडियो के लास्ट पर बता देंगे, और आप वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, चलिए हम आपको दिखाने के लिए यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से ऊपर पे यस वाले चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से ऊपर पे क्लिक कर देते हैं यस वाले चिन्ह पे। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए प्रोसेसिंग मांग रहा है, तो इसीलिए हम 2-3 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। तो इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है। पहला नंबर पर है बैकग्राउंड, और सेकेंड नंबर पर है हेयर कलर, और थर्ड नंबर पर है कॉलेज, ठीक है। तो हम आपको पहला नंबर से बताते ही जाते हैं। तो पहला नंबर पे आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए नीचे पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो आप अपने फ़ोटो पे यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्किन कलर, ठीक है। अगर आप अपने चेहरे पर स्किन कलर लगाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर क्लिक कर दीजिए स्किन कलर पर। तो स्क्रीन कलर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने फेस पे कोई भी कलर लगा सकते हैं चेंज करके। तो चलिए हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। इस तरह से आप अपने फेस पे कोई भी कलर लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम बैकग्राउंड, ठीक है। आपको यहाँ से कस्टम बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। कस्टम बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सेट कस्टम बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आप अपना मतलब कोई भी वॉलपेपर पर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं अलग से, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सेट कस्टम बैकग्राउंड पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ से एल्बम पे क्लिक कर देते हैं। तो एल्बम पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना फाइल पे आ चुका हूँ, ठीक है। आने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ से कोई भी एक वाल पेपर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम बहुत सारे वाल पेपर को रखे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ से कोई एक वाल पेपर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हम इस फ्लावर का वाल पेपर को सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यस वाले चिन्ह पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए इसके पीछे पे लग चुका है बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरह से आप अपने फ़ोटो पे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं अलग से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोटो का मतलब बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम अगर इसको आगे कीजिएगा तो यहाँ पर फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर होते ही जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है। तो आप इस तरह से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे फोर मतलब चार फ़ोटो बन जाएगा, ठीक है, और चारों का बाल अलग अलग रहेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कॉलेज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 9 फोटो बन जाएगा, ठीक है। इस 9 फोटो का देखिए फ्रेंड्स, बाल अलग अलग है। इसी तरह से आप अपना फ़ोटो का भी बाल को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर कलर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से हेयर कलर मतलब बदलना चाहते हैं आप अपने बाल का कलर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाएगा, आप अपने बाल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इसी को रख देते हैं। इसको रखने के बाद फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं आपको सेव कैसे करना है। तो सेव के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे फिर से तीर का जैसा आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से ओके कर देना है।
तो ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ चुका है बीच पे, तो ये फोटो आपका सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल पे जो घंटी है फ्रेंड्स उसको भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ से ऐप के बारे में बता देते हैं, हम यहाँ से बैग आ जाते हैं। तो बैग आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, तो चलिए हम यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च बार पे लिखना है टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ऊपर पे जो ये आ चुका है टेलीपोर्ट, आपको इसी को डाउनलोड कर लेना है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम डाउनलोड करके रखे हैं इसलिए यह यहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका भी ओपन दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिएगा और इसी तरह से आप अपना फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं और ब्लर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।